तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि बिना किसी इंटरनेट के अपने जीमेल अकाउंट को कैसे यूज करें और अपने इनबॉक्स को कैसे चेक करें और साथ ही आप बिना इंटरनेट के कैसे ईमेल सेंड कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास किसी तरह का इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो आप बिना इंटरनेट के भी जीमेल को इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने ईमेल्स वगैरह चेक कर सकते हैं। तो ये कैसे होगा और क्या कुछ करना होगा, चलिए वीडियो में देख लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस काम के लिए सबसे पहले आपको कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको सिंपल सा आपका जीमेल अकाउंट लॉगिन कर लेना है अपने ईमेल एंड पासवर्ड से। हम लोगों ने ऑलरेडी जीमेल को लॉगिन कर लिया है। तो जीमेल को लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस आएगा। आपको अभी जो करना है, आपको सेटिंग्स पर जाना है। आपको ऊपर एक सेटिंग्स देखने को मिलेगा, सेटिंग्स टैब, तो आपको इस सेटिंग्स टैब के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सिंपल सा सी ऑल सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस टाइप से एक दो दोस्तों ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स का, तो नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑफलाइन का, तो ऑफलाइन पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको जो काम करना है, इधर से ऑफलाइन मोड से आपको एनेबल ऑफलाइन मेल को चेक मार्क कर देना है। उसके बाद ऑटोमेटिकली सब कुछ सेटिंग्स इधर आ जाएगा। अभी आपको इधर जो स्टोर ईमेल फॉर द लिस्ट, ये है दोस्तों लास्ट, तो इधर आपको टोटल जो है इधर आप 30 डेज़ का, 7 डेज़ का और 90 डेज़ का आप ईमेल्स को जो ऑफलाइन में देख सकते हैं। तो हम लोग सबसे ज़्यादा भी 90 डेज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो उसके बाद दोस्तों आपको जो काम करना है, आपको सिंपल सा इधर से जो दो ऑप्शन मिलेगा, आप कीप ऑफलाइन डाटा ऑन माई कंप्यूटर को चूज कर लीजिए। उसके बाद आपको सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको ऑफलाइन नॉट रिकमेंडेड फॉर दिस शेयर डिवाइस, तो इधर सब गॉट इट कर दीजिए। अब आपका ईमेल जो है वो फिर से लॉगिन होगा ऑटोमेटिकली खुद से। उसके बाद आपको थोड़ा वेट करना होगा और आपके ईमेल्स जितने भी हैं वो खुद से ही दोस्तों जो है लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी देख सकते हैं ऊपर आप देखेंगे तो इधर एक दोस्तों जो है लोड हो रहा है, कितना मैसेजेस हैं और दोस्तों सब कुछ इधर लोड हो रहा है खुद से। तो आपको वेट करना होगा। वेट करने के बाद दोस्तों आप जब ये कंप्लीट हो जाएगा टोटल 90 डेज़ में जितने भी ईमेल्स आया था आपकी ईमेल में, वो सारे के सारे दोस्तों ऑटोमेटिकली इधर सेव हो जाएगा। उसके बाद जब भी आपका जो है इंटरनेट नहीं होगा, तब भी अगर आप अपने ईमेल एड्रेस को लॉगिन करेंगे तो आपका वो ईमेल आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं आपको नॉर्मली ईमेल्स जो है वो मेरे इंटरनेट कनेक्शन को ऑफ करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फिलहाल अभी आप देख सकते हैं जो मेरा इंटरनेट कनेक्शन है वो फिलहाल जो है ऑफ है, नीचे लिखा हुआ है नो इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यू आर ऑफलाइन, सम फंक्शनलिटी मे बी अनअवेलेबल, ठीक है। तो अभी मैं हम लोग क्या करते हैं, इसको दोस्तों रीलोड करते हैं। ऑटोमेटिकली दोस्तों ये खुद से ही रीलोड होगा। रीलोड होने के बाद अभी भी देख सकते हैं ये ऑफलाइन मोड में ही अवेलेबल है। अभी मेरा जितने भी ईमेल्स था दोस्तों वो सभी मैं देख सकता हूँ। अगर किसी ईमेल को मैं ओपन करता हूँ तो ईमेल भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब वो जितने भी ईमेल्स है वो आप देख सकते हैं, इस टाइप से आपको सभी के सभी ईमेल देखने को मिल जाएगा। अभी दोस्तों अगर आप किसी को मेल सेंड करना चाहते हैं तो मेल भी सेंड कर सकते हैं कंपोज मेल पर क्लिक करके। उसके बाद जिसको मेल सेंड करना है उसका ईमेल एड्रेस आपको इधर से टाइप कर देना है। उसके बाद हाय लिखना है, जो कुछ भी आप मैसेज लिखना चाहते हैं। उसके बाद सेंड बटन पर क्लिक कर देना है। ऑफलाइन मैसेज विल बी सेंड लेटर लिखा हुआ है। आपका जो मेल है जो आपने सेंड किया है वो आउटबॉक्स में आपको देखने को मिलेगा। जब भी आपका इंटरनेट कनेक्शन आ जाएगा आपको कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिकली खुद से दोस्तों ये मेल सेंड हो जाएगा आपने जिसको सेंड किया था। आपको पता भी नहीं चलेगा, जब भी इंटरनेट आएगा तब भी वो दोस्तों सेंड हो जाएगा। तो दोस्तों यही था बिना इंटरनेट का ईमेल चेक करना, ईमेल सेंड करना। तो अगर आपको आज का यह ट्रिक पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।